सच बताऊं तो मैं डरा हुआ था। रोला जमाना है रोला। अच्छा स्पोर्ट में एंट्री बिल्कुल फ्री है। और ये हफ्ता वसूल करते हुए तब राजा जगत सिंह घबरा गए। ये था हमारा रेस्ट हाउस फतेहपुर में। अब हम जा रहे हैं डाडा सिबा। पर डाडा सिबा से पहले हम लोग एक और ऑफ बीट लोकेशन पहुंचे, धमेटा। हमें ये जगह इतनी पसंद आई कि हम लोग काफी देर तक रुके यहाँ पर। अरे पांडे जी रेस्ट हाउस में ठहरे थे फतेहपुर में, वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस बताने वाले हैं, कुछ हॉरर एक्सपीरियंस हुए हैं इनको। और आपको शायद आपने चुड़ैलों की आवाज़ें सुनी होगी। नहीं मैंने नहीं सुनी सर। गुरु को गुरु आपने सुनी है? ना मैंने नहीं सुनी। आपने जोर से खराटे मारे थे आपने? मैं कहाँ सुनूंगा। मेरा चैनल है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर? हाँ। कौन सा? मैंगो ट्रेवलर के नाम से। अच्छा अच्छा। हाँ ये सब उसमें ही आएंगी सारी चीजें। अच्छा। मैंने कहा मुझे छोड़ के ही गए हो लग रहा है। पांडे बोल भी रहा था। हाँ। कि भैया को छोड़ते ही यहीं पे हम। क्या नाम बताया आपने? मैंगो ट्रेवलर। यहाँ से इजाजत लेने के बाद अब वक्त था हमारा डाडा सिबा जाने का। अमित भैया हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं फिलहाल तो पोंग डैम जा रहे हैं। ओके। और अभी ब्रिज के आसपास पहुंचने वाले हैं, वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम थोड़ा सा पीछे 2 किलोमीटर पीछे से ही अपना व्लॉग के लिए शूट कर रहे हैं और अभी आगे जाते देखते हैं क्या होता है क्या होता है। बीच में हम लोगों ने पोंग डैम भी क्रॉस किया। मेरे लिए इन रास्तों से गुजरना किसी सपने जैसा ही था। लो जी अब हम आ गए हैं डाडा सिबा। डाडा सिबा एक गांव है और यहां देखने के लिए 2 किले हैं और एक राधा कृष्ण का मंदिर है। ये यहाँ पे फोर्ट का रास्ता किधर से है? सीधा जाए इधर से जाए? ये यहाँ से अंदर को जाना। हाँ जी। ये सीधा अंदर यहाँ को जाते हैं फिर आईटीआई रोड पे। ठीक है। तो जी डाडा सिबा आ गए हैं और फोर्ट ढूंढ रहे हैं। फोर्ट नहीं दिख रहा। ओके यहाँ पर 2 फोर्ट हैं, उनमें से एक ये है। अब देखने चलते हैं दूसरा फोर्ट। इसकी एंट्रेंस दिख रही है। ये दोनों किले एक पहाड़ी पर राजा राम सिंह द्वारा बनाए गए थे लगभग 1880 के आसपास। दोनों ही किले जर्जर हालत में हैं और इन्हें काफी नुकसान 1905 के भूकंप में हुआ। माना जाता रहा है कि राजा राम सिंह ज्यादा वक्त तक इन किलों में नहीं रह पाए और ब्रिटिश राज में भी इस जागीर पर कब्जा हुआ। पुराने किले के अंदर आज भी कुछ म्यूरल्स यानी दीवारों पर चित्र देखे जा सकते हैं और आपको किसी और वक्त में पहुंचा सकते हैं। राजा राम सिंह की 4th generation आज भी यहाँ किले के साथ वाले घरों में रहती हैं और इनसे मिलकर भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। चलो जी अमित भैया आप किसे लेके जा रहे हो? नीचे टेंपल कवर कर रहे हैं। ओके। वहाँ की वॉल पेंटिंग्स काफी हिट हैं। ओके। और हमें लगता है कि हमें काफी अच्छी फोटोज मिलेंगी। मिलेंगी। लेट्स गो टू द टेंपल। लेट्स गो। इन किलों को देखने के बाद हम लोग पहुंचे राधा कृष्ण के मंदिर। जो कि गांव में ही बना हुआ है और लगभग 1880 के आसपास के वक्त का ही है। ये भी राजा राम सिंह द्वारा ही बनाया गया था और काफी अच्छी हालत में है। मंदिर तो कोरोना पेंडेमिक की वजह से बंद मिला पर फिर भी मंदिर वैसे बंद है पर आप लोगों को दर्शन तो करा ही देता हूँ। यहाँ का मुख्य आकर्षण एक बार फिर सुंदर से म्यूरल्स हैं
जो कि आज तक अच्छे से प्रिजर्व रखे हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ही पट खोले हैं और मैं ही बंद कर रहा हूं। मंदिर देखने के बाद हम लोग निकल पड़े धौलाधार की रेंज देखने, और इसके लिए हम लोग एक बार फिर थे उन्हीं छोटे छोटे रास्तों पर। ऐसा दृश्य दादा सिबा में देखने को मिलेगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। अगर आप यहाँ कभी आए तो इस लोकेशन पर ज़रूर आइएगा। ये जगह पीपल के पेड़ से जाने जाती है और स्थानीय लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इस स्थान पर एक बार फिर मैं निशब्द हुआ। वो धौलाधार की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, नीला सागर, हल्की हल्की सर्द हवा और वो धूप। कोई ना गायब हो जाए कुछ पलों के लिए तो मैं सरप्राइज होऊंगा। हमारे पास समय की पाबंदियां रहीं, नहीं तो पक्का रुका जा सकता था डाडा सिबा में। शायद ये वादियां मुझे फिर बुलाएं। यहां आप 12 महीनों में कभी भी आ सकते हैं। गगल एयरपोर्ट यहां से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ के लिए आप टैक्सी कर सकते हैं। डाडा सिबा एक ऑफ बीट लोकेशन है हिमाचल में। मेरा सुझाव रहेगा कि या तो आप अपनी व्हीकल से आएं या टैक्सी से। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी लौटूंगा अगले एपिसोड के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको इस मैंगो ट्रैवलर का सफ़र अच्छा लग रहा हो तो। Until then, have a wonderful time, stay safe and take all possible precautions while traveling. तो जी डाडा सिबा आ गए हैं और फोर्ट ढूंढ रहे हैं। फोर्ट नहीं दिख रहा। मिल नहीं रहा। हाँ, क्या ये है फोर्ट? अभी भैया पता करने गए हैं। ओके, यहाँ पर दो फोर्ट हैं, उनमें से एक ये है। मैं ऐसा पहला फोर्ट देख रहा हूँ जो कि ब्रिक्स का बना हुआ है और लगभग 400 साल पुराना है। अच्छा, एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये फोर्ट जो है ये 400 साल पुराने नहीं है, लगभग 1880 के आसपास बनाए गए थे, इसलिए ये ब्रिक्स के बने हुए हैं। थोड़ा जल्दी से नहीं, बोलो GoPro टेक अ फोटो। GoPro इज द फोटो। ठीक है, ओके ओके, चल ठीक है, हो गया। ये चले हमारे अमित सर ऊपर, और मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, मैं भी ऊपर चढ़ूंगा। भाई जरा एक मिनट पकड़ लियो यार। ओ भाई ओ भाई, ये क्यों काम कर रहा हूँ मैं? ओ यार ये तो बड़ा डेंजरस काम है। ठीक है, पर ये नीचे का कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर एंगल है ये वाला। थैंक यू सो मच। ओके, ऊपर से कैसा दिख रहा है? Yeah! सीमेंट के बनाए हुए हैं। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग।